आज की शाम बहुत खास है, बहुत स्पेशल है, बिकॉज एक गाना जो अगर हम सब के बारे में बात करें तो हर एक को प्यार हुआ है कि नहीं, सबको प्यार हुआ है ना, एवरीवन इज फॉलिंग इन लव, कुछ लोग बहुत बार प्यार में पड़ते हैं, तो ये वो गाना है जो आपके दिल को टच करता है, जो नॉस्टैल्जिक है, जो थोड़ा सा टच है, इट्स अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ सैडनेस लेकिन बहुत सारा प्यार, एंड अगर आप इस गाने को सुनेंगे कहीं ना कहीं आपके दिल की तार को छू जाएगा, एंड ये वो गाना है दिल विद कीवे। इस गाने को बनाए एक ऐसे शख्स ने, मैं इसके बारे में इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ दोस्तों, इन यहाँ पे हमारे साथ पायदान पे तीन आर्टिस्ट हैं, इनफैक्ट चार आर्टिस्ट हैं, लेकिन एक ऐसे आर्टिस्ट जिनके बारे में बताना चाहता हूँ, एक आदमी जिसके बहुत सारे चेहरे हैं, he is a musician, he is a music director, he is a composer, he is a lyricist, ये तुमने बहुत कुछ किया है भाई, मतलब राम जी बड़ी शर्मीली आदमी है, इनके बारे में क्या, बहुत शर्मीला आदमी है, और राम जी ने बहुत सारे गाने बनाए, ढेर सारे गाने बनाए, कुछ धमाकेदार, कुछ माइंड ब्लोइंग, कुछ फुट टैपिंग, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके दिल को छूने के लिए इस गाने को बनाया, राम जी की आवाज ने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया, एंड इट इज ट्रेंडिंग ऑन नंबर वन ऑन यूट्यूब, एंड दोस्तों जिनके बारे में मैं तारीफ, इतनी सारी तारीफ कर रहा था, ये है द वन द ओनली राम जी गुलाटी के लिए, लेट्स गिव अ पिक्चर एवरीवन, और इस वीडियो में आए हाय हाय दो लोग हैं, मतलब एसेंशियली दो लोग हैं, एक तो जिनका नाम ही रिलेटेड है जन्नत से, मतलब हूर बनी है, जिनको देखकर कहता है कि अगर जन्नत होगी तो ऐसे होगी, सो जन्नत ज़ुबैर रहमानी का लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, वेरी गॉर्जियस जन्नत, थैंक यू वेरी मच, यू लुक ब्यूटीफुल, यू एक्टेड वेरी वेल, अगर उस गाने में रौनक आई है तो एसेंशियली आपकी वजह से, जो आपके एक्सप्रेशन थे, और जो नटखट सा चुलबुला लड़का जो इनिशियली दिखाता है, हर माँ चाहिए कि ऐसा लड़का अपनी बेटी के लिए ढूंढे, तो और ये गाना आप देखेंगे तो यकीन मानिएगा मैं जो इतनी तारीफ कर रहा हूं, अगर ये तारीफ सच नहीं होती तो आज ये गाना ट्रेंड नहीं होता। तो राम जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा, पहले तो ये बताओ कि इतना फील लाते कहां से है ये गाने में, और इतना प्यारा सा गाना है, टेल अस अबाउट इट। आई थिंक दिस सॉन्ग जो फील बना है यहां पे जो मेरे साथ दोनों बैठे हैं मिस्टर फैज़ और जन्नत सुबह, आई थिंक दे हैव टेकन द सॉन्ग फ्रॉम द लेवल, एंड कोशिश हमेशा अच्छा गाना बनाए, और अच्छे गाने के वीडियो की जरूरत होती है, अच्छे वीडियो, और एक अच्छे वीडियो के एक अच्छे कलाकार की, सो आई थिंक द एंटायर क्रेडिट गोज टू मिस्टर फैजू एंड जन्नत जुबैर, दे हैव लिट द वीडियो, एंड स्पेशली लाइक टू थैंक जी म्यूजिक फॉर सपोर्टिंग अस दिस बिग। ओके ये तो आपने बता दिया बहुत अच्छे तरीके से, आपने पुट इन किया कि जन्नत और फैसू ने इस गाने को अलग लेवल पे पहुंचाया, लेकिन इस गाने में जो थोड़ा सा दर्द है, थोड़ा प्यार है, थोड़ा मोहब्बत का जो है, कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ से तो रिलेटेड नहीं है, राम जी बता दो आज राम जी की शादी हुई है, आई थिंक हिंदुस्तान में सबका दिल टूटा हुआ है, दर्द सबके अंदर है, तो मेरे अंदर भी कुछ कुछ है जो मैंने निकाल लिया। That was beautiful, and वो गाना अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि दर्द कहाँ पे था और उस प्यार को किस लेवल पे। जन्नत पहली बार आपने इस गाने को सुना तो why you thought that you should be featured in the song? So let me tell you कि जब गाने को हाँ किया था तब मैंने गाना सुना ही नहीं था। क्या बात कर रहे हो? So आपने अभी अभी इतनी तारीफ की सर की, तो you know ये आए इन्होंने बताया वही काफी था, तो गाना सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ी, you know, and the man himself tells you and you know जब इनका गाना है, तो मैं आपको बताऊं मैं दुबई जाने के बाद मैंने गाना सुना। क्या बात है, यू नो वो वैसे ब्लाइंड फेथ था मुझे कि भाई गाना तो सारे लोग राम जी के म्यूजिक पे इतना ही भरोसा है, राम जी आई हैव टू टेल यू दिस, आई हैव सीन यू एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, जो आपने कंपोज किया, लेकिन पहली बार मैंने आपकी आवाज सुनी और वो आवाज को सुन के मुझे ऐसा लगता है कि बॉस ढेर सारे बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर्स हैं दे विल बी हंटिंग फॉर राम जी की, राम जी प्लीज गाना मेरे लिए गा ले यार, बट थैंक यू जन्नत, दैट वाज वेरी नाइस, अब सुनने के बाद कैसा लगता है?
बहुत अच्छा लगता है, मतलब गाना ये तो अभी आया लेकिन इससे पहले भी हम इतनी बार सुन चुके हैं कि मुझे पूरा गाना याद ही है, यू नो यू कीप हमिंग द सॉन्ग, तो मतलब ये ऐसे गाने का आप एक बार सुनोगे ना तो आपको वो हम करने की आदत पड़ जाएगी। एब्सोल्युटली आई वुड लाइक टू स्पेशली थैंक जुबेर जी, जनरल्स फादर एंड मैम फॉर बिलीविंग इन अस एंड दे वर सो सपोर्टिव थ्रू आउट द शूट, दे वर ऑलवेज देयर एज यू नो स्टैंडिंग एज अ बैकबोन, चाहे वी हैड फेसिंग सम इशूज ऑन द शूट बट दे वर सो स्ट्रॉन्ग एंड ही स्टिल बीन स्टैंडिंग सो स्ट्रॉन्ग विद अस एंड थैंक यू जुबेर जी, आई कांट सी यू बट आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। ये पहली बार था मेरे किसी म्यूजिक एल्बम में सपोर्ट करने मेरी पूरी फैमिली गई थी, पूरी फैमिली लेके गए थे राम जी को सपोर्ट करने, मतलब अयान अयान ही इज डन अ गेस्ट अपीयरेंस इन द सॉन्ग एंड ही इज एन अमेजिंग चाइल्ड। मैं तो बहुत खुश हूँ और जस्ट जब भी मैं फर्स्ट टाइम मिला था राम जी से सीसीडी में, तो राम जी का तो मैंने काम पहले से देखते आ रहा हूँ और मैं समझ गया था कि मतलब ये सॉन्ग जाएगा। फिर पाजी ने अपने ऑफिस में भी बुलाए थे मुझे, सॉन्ग सुनाए थे, मैं पाजी को बोल दिया था पाजी ये हिट है और ये ट्रेंडिंग जाएगा। मैं वो सॉन्ग सुन के इतना अच्छा फील आ रहा है कि मतलब ऐसा लगता है बार बार सुनते रहो उस सॉन्ग को, इतना अच्छा लगता है सुनो, तो बस पाजी के साथ लग गए हम। तो इस शूट में सबसे चैलेंजिंग क्या, आपने ये आप लोगों को ये बता दूं कि ये दुबई की गर्मी में इसको शूट किया गया था, अच्छे एक्सोटिक लोकेशंस में शूट किया गया था, व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शूट इन दुबई? सबसे बेस्ट पार्ट, आई थिंक द बेस्ट पार्ट वाज राहुल। नो आई मस्ट से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो शूट आपका जो डायरेक्टर कर रहा है उससे ना बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डायरेक्टर अच्छा नहीं हो तो कोई शूट अच्छा हो ही नहीं सकता, बिकॉज जब तक आप कंफर्टेबल ही नहीं होंगे, दो दिन का शूट है, अगर कंफर्टेबल होने में दो दिन लग गए तो भाई एल्बम का शूट होगा। एब्सोल्युटली आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज I think Jannat put it very beautifully. So sweet of her. Jannat has put it very beautifully because मैं हमेशा जब मैं shows host करता हूँ इनको आज मैं बता रहा था कि एक protagonist जो होता है एक शो होस्ट करने के लिए एक प्रोटैगनिस्ट होता है, इस वीडियो में जो प्रोटैगनिस्ट है वो राम जी है एंड आप वो उसको पूरे किरदार को उन्होंने इतने ब्यूटीफुली उन्होंने ये किया था, जहाँ पर आपकी रोमांस चल रही है ये है एंड राम जी इन फ्रंट ऑफ द कार डिस्क्राइब्स एंड वो बोलते हैं ना एक कलाकार जैसे उसको ब्यूटीफुली एक यू नो रच रहा है वैसा इन्होंने किया था, राम जी दैट वाज सो ब्यूटीफुल यार। एंड एक चीज़ आपको राम जी के बारे में जो लगता है कि बस ये बहुत ही नटखट सिंगर है, क्या है नटखट सिंगर? अभी तो एक सॉन्ग आने वाला है बहुत जल्दी, उसमें राम जी का सब पता चला है तो अभी इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी उस पर भी काम करेंगे, मुझे बताना नहीं इस बारे में कुछ। I love both of them so much that I'm going to back to back work with Faizu and Jannat, and it's always going to be my pleasure working with them. They are so both good artists, you know, and they're magical. Brilliant. अच्छा Faizu, एक चीज आप बताएं कि अगर हिंदुस्तान में लोग बार बार इस गाने को सुनना है तो क्यों सुनना है? क्योंकि उस गाने में फील है, जब मैं बढ़ाते समय में पाजी को जब हम लोग शूट कर रहे थे ना तो उस वक्त ही मैंने 20 से 30 बार सुन लिया। वाओ, शूट करने से पहले और शूट हुआ भी नहीं था, वो इतना अच्छा लग रहा था सुनने में, तो मैं तो बोल दिया था पाजी को कि मतलब ये जाएगा। एंड आप इसके बारे में क्यों सुने इस गाने को? आई थिंक इसका कोई एक फैक्टर है ही नहीं कि क्यों सुना, आई थिंक हर चीज़ इतनी ब्यूटीफुल है, आप अगर ओवरऑल देखें वीडियो तो ओवरऑल वीडियो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, यू नो बीट एनीथिंग, बीट द लिरिक्स, द म्यूजिक, द सिंगर, द एक्टर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट, नो एवरीथिंग। आई मस्ट से आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज आई एम इन द वीडियो और एनीथिंग लाइक दैट, बट एक्चुअली द सॉन्ग इज सो ब्यूटीफुल एंड इट्स शॉट ब्यूटीफुली, आई थिंक द होल टीम हैज वर्क सो हार्ड और इतना अच्छे सबने अपने इनपुट्स डाले हैं कि सॉन्ग इतना अच्छा लगता है, सो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द होल टीम, द एंटायर टीम। वेरी ब्यूटिफुली पुट जनरल। अच्छा राम जी एक चीज मुझे बताओ, आप क्या मतलब कौन सा किरदार सबसे बेहतरीन आप निभाते हो, म्यूजिक क्रिएटर, म्यूजिक डायरेक्टर, सुनो सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, गाना मेरा शौक है, आई एम नॉट अ सिंगर, आई हैव नेवर लर्नड सिंगिंग, बट मेरे अंदर एक फील है, बस वही फील इस गाने में एंड आई होप एंड ये जो वीडियो इतना ब्यूटीफुल वीडियो बनाया है वो यूनाइटेड व्हाइट फ्लैग म्यूजिक एंटरटेनमेंट एंड मोर है, इनके 10 साल आज सेलिब्रेट हो रहे हैं, सो लेट्स गिव अ बिग क्लैप फॉर देम।
Fantastic. And हम ट्रैंक्विल को भी थैंक करना चाहते हैं दिस ब्यूटीफुल वेन्यू जहाँ पर हम इसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सो आई थिंक उनके लिए भी एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एंड फाइनली दोस्तों इसे देखिएगा अगर आपके पास कोई सवाल है आप इनसे पूछ सकते हैं लेकिन एक चीज बताना चाहता हूँ इट्स ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब एंड इट्स ऑन नंबर वन बेहतरीन गाना है फैसल जन्नत एंड रामजी डन अ ब्रिलियंट जॉब एंड इसे आगे फॉरवर्ड कीजिए शेयर कीजिए एंड इंशाल्लाह इट्स गोना बी अ मच बिगर हिट Thank you so much. He is the love guru and today he is with us. अगर आप love guru सुनते रहे रेडियो पे, आपके बहुत सारे problems हो गए. And guys, thank you. I would like to thank Zee Music, Pratik who got all of us together, Selipstan, Arul, love you. Thank you for supporting as always. And Tranquil. And इससे पहले you know एक बात तो बताना भूल ही गए. आप बारातियों का नहीं बारातियों का स्वागत छोड़िए अयान का स्वागत करें बिकॉज़ ही इज वन हैंडसम गाय जिनको देयर इज अयान लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अयान अयान कम हियर अयान अयान कहाँ हो यार